हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोना। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं चना दाल भिगो करके बेसन की सब्जी बना के आप लोगों को दिखाने वाली हूं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, बहुत बहुत बढ़िया होता है। मज़ा एक अलग ही फ्लेवर होता है। अगर मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये सब्जी बहुत ही मस्त बनता है और चावल रोटी किसी चीज़ के साथ आप इसको आराम से खा सकते हैं और बन भी जाता है। तो मैं इसको कैसे बनाती हूँ सब मैं आपको तरीके से बताऊँगी कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ, कैसे वो करती हूँ। देखिए कितना सुनहरा दिख रहा है, कितना देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए तब बनाते हैं। इसमें 250 ग्राम चना दाल मैं रात में ही भिगो ली थी। अब आप 6-7 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। इसको भिगो के 5-6 पानी से वॉश कर ली हूँ, अच्छे से धुल ली हूँ। अब इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगी, डाल के और इसमें मैं हरा मिर्चा मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसमें हरा मिर्चा 4-5 हरा मिर्चा और 4-5 कली लहसुन का भी इसमें डालूँगी और थोड़ा सा मैं जीरा डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, उसके बाद हल्दी सबको मैं पीस लूँगी। जब तक ये मैं पीस रही हूँ तब तक मेरा एक भगोना में मैं पानी गर्म करके फुल फ्लेम पे रख दी हूँ ताकि मेरा भगोना का पानी खूब अच्छे से खौलने लगे। जब खौलने लगेगा तब मैं इसी पे अपना वो थाली में तेल लगा के और उस पर ये दाल का जो पेस्ट बनाऊँगी उस पर रख के मैं भाप से पका के आप लोगों को सब्ज़ी बना के खिलाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनता है। सिर्फ भाप से पक जाएगा और पकने में 25-30 मिनट लगता है मीडियम फ्लेम पे। अब फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो 15-20 मिनट और उसके बाद उसको ना मैंने बहुत ही थोड़ी देर ठंडा करने के बाद उसको आप अच्छे से कट कर लीजिए और कट करने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है तब उसको कट करिए, फटाफट कट भी हो जाता है और उसको बनाइए। ये देखिए मेरा पेस्ट बन के अब लमसम मेरा पेस्ट तैयार है और मेरा पानी भी उधर आराम से उबलने वाला है। अब उबलेगा तो इसके ऊपर मैं वो पेस्ट जो बनाई हूँ वो रख के ढक दूँगी और उसके बाद तब मैं मसाला बना के आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसका मसाला ग्रेवी कैसा बनता है। तो मैं एक प्लेट ले ली हूँ, उसमें ये दाल का जो बैटर है उसको मैं तेल लगा ली हूँ प्लेट में और उस पर ये कर ली हूँ और वो जो पानी जो खौलने वाला है उस पर मैं रख लूँगी। रख के मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी। इसको ढकने के बाद मैं ढक के मैं दूसरा वाला गैस चूल्हा जला ली हूँ, इस पर कढ़ाही रख दी हूँ। कढ़ाही गर्म होने के बाद मैं इसमें 3-4 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। सरसों के तेल में बेसन का सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बनता है। आप कोई भी तेल में आप लोग को अच्छा लगता होगा तो बनाइएगा, बस तेल में यही तेल पड़ता है, उधर बेसन में कोई तेल नहीं लगा है कहीं से नहीं। बस ये मसाला में जितना तेल लगा है उतना लगा है। और ये गर्म होने के बाद मैं इसमें मेथी का तड़का दे दी हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्राउन हरा सूखा मिर्चा 3 डाल दी हूँ, दालचीनी थोड़ा सा डाल दी हूँ और थोड़ा सा मैं जीरा। ये सूखा मिर्चा आप तोड़ के भी डाल सकते हैं लेकिन मैं खड़ा इसलिए डाली हूँ कि सब्ज़ी ज़्यादा तीखा ना हो। और मैं 1/2 चम्मच हींग डाली हूँ। हींग इसमें बहुत ज़रूरी होता है, डाइजेस्ट हो जाता है बहुत अच्छे से। और इसमें प्याज डाल के मैं प्याज को ब्राउन अच्छे से भून लूँगी। प्याज जब भून जाएगा मेरा तो ब्राउन होने लगेगा तब उसमें मैं अच्छे से मसाला ऐड करूँगी जो आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, बहुत ही अलग बहुत ही टेस्टी बनता है। जो भी खाएगा वो कहेगा वाह वाह वाह। देखिए मेरा प्याज ब्राउन होने लगा है। अब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ।
इसको गोल गोल ऐसे ऐसे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मैं भून लूँगी। ये भून जाएगा उसके बाद मैं और मसाला ऐड करूँगी। अब इसमें एक चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप लोग जितना मन उतना डालिए। एक आधा चम्मच ब्लैक पेपर, एक चम्मच जीरा पाउडर, दो से ढाई चम्मच धनिया पाउडर। आप अपने सब्जी के मुताबिक डालिएगा, आप लोग जितना बनाते होंगे। हम जितना सब्जी बना रही हूँ उसके मुताबिक डाल रही हूँ। 250 ग्राम चना की दाल में भी वही थी तो ज़्यादा बनाना था इसलिए। इसको गोल गोल घुमा लूँगी। अब इसमें मैं पक जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो इसमें और मैं टमाटर और सब नमक वगैरह सब ऐड करूँगी। इसको ये काश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच डाल रही हूँ इसलिए कि ये तीखा नहीं होता है, इससे देखने में अच्छा होगा। इसका कलर मैं फूड कलर नहीं डालती हूँ कोई भी चीज़ में। काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद मैं एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डालिए। इसको फिर अच्छे से गोल गोल घुमा के इसमें थोड़ा सा पानी, टमाटर डालने के बाद थोड़ा गोल गोल घुमा के पका के थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी, इसको पानी डाल के फिर इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला मेरा जले ना, इसलिए फिर मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट में पकाऊँगी। और उधर मेरा वो पक रहा है चने के दाल का जो बैटर बनाई थी, और उसको मैं ऐसे भाप से ही पका के मैं सब्जी में डालूँगी। एक अलग ही सब्जी होगा। देखिए कितना सुनहरा कलर आ रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। जितना बढ़िया दिख रहा है उतना बढ़िया सब्जी। एक चम्मच में गरम मसाला डाल के अच्छे से भून के फिर 2 से 3 मिनट में इसको पका के पानी डाल के पकाऊँगी। फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट खोलाऊंगी। इसको ढक दूंगी, 2 से 3 मिनट में फुल फ्लेम पे खोलाऊंगी। अब उधर मेरा वो भी हो गया है, लमसम पक गया है चना का जो दाल का बैटर है जो मैं बनाई थी, तो अच्छे से पक गया है। तब इसको मैं पीसेस काट लूंगी। ये आराम से पक गया है, चाकू घुसाने पे एकदम आराम से वो दिख रहा है, अंदर कच्चा नहीं है। अब इसको मैं पीसेस काट लूँगी। अच्छा से पीसेस काट के अब मैं इसको ग्रेवी में डाल दूँगी। जैसा पीसेस आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। छोटा बड़ा कैसा भी बन सकता है। जब पूरा ग्रेवी खौलने लगेगा तब जाके उसमें डाल के 2 से 3 मिनट खौलाना है, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है। देखिए कितना बढ़िया पीसेस कट के तैयार है दम। अब मेरा इधर ग्रेवी भी खौलने लगा है। अब इसमें मैं जो पीसेस काटी हूँ चने दाल का वो मैं सब डाल दूँगी। 2 से 3 उबाल आने पे 1 से 2 मिनट फुल फ्लेम पे खोला के मैं इसको बंद कर दूंगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। और मेरा सब्जी बनके तैयार है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इसको चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ, खास करके चावल के साथ बहुत यम्मी लगता है खाने में। देखिए अब मेरा सब्जी बनके तैयार है। आप लोग भी अपने घर में बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं गैस का